हाय दोस्तों, मैं पीयूष वेलकम करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव्स इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं DCA फर्स्ट सेम के MS एक्सेस पेपर के यूनिट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों, इस यूनिट के अंदर आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है, रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट की जाती है, कितने टाइप की रिपोर्ट्स होती हैं, किस तरह से उनको प्रिव्यू किया जाता है, किस तरह से रिपोर्ट्स को प्रिंट किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें मैं आपसे इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? तो दोस्तों, रिपोर्ट्स एक्चुअली क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इन्फॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। ये एक स्पेशल डॉक्यूमेंट होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है या प्रेजेंट करता है एक फॉर्मेट में किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए या पर्पस के लिए। अब ये ऑडियंस और पर्पस क्या हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए किसी बंदे को सिर्फ ओनली सेल और रिपोर्ट की पूरी समरी चाहिए, तो ये उस पर्टिकुलर बंदे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अगर किसी मैनेजर को मान लीजिए सिर्फ उसके पूरे साल भर का ऑडिटेड स्टेटमेंट चाहिए या फिर साल भर की सेल और परचेज चाहिए, तो ये उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं पर्टिकुलर किसी ऑडियंस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं और इनका पर्पस होता है समराइज डेटा को देखना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको रिपोर्ट्स की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब रिपोर्ट्स किस तरह से जनरेट करते हैं MS एक्सेस में, उसके लिए मुझे आपको MS एक्सेस पर लेके चलना पड़ेगा। तो चलते हैं अपन लोग MS एक्सेस के ऊपर। अब दोस्तों, मैं एक्सेस पे आ चुका हूँ। अब मुझे अगर रिपोर्ट डिज़ाइन करना हो तो सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट्स के लिए चार टाइप से रिपोर्ट्स आप डिज़ाइन कर सकते हो MS एक्सेस के अंदर। पहला है बेसिक रिपोर्ट डिज़ाइन करना, फिर दूसरा है मैनुअली आप रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो, ब्लैंक रिपोर्ट भी उसी का ऑप्शन है। मतलब ब्लैंक रिपोर्ट में जाके आप ब्लैंक रिपोर्ट, जैसे अपने ब्लैंक फॉर्म डिज़ाइन किया था वैसे ही आप ब्लैंक रिपोर्ट से अपना रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हो। कोई भी डिज़ाइन किया हुआ रिपोर्ट आप रिपोर्ट डिज़ाइन से ओपन करके उसमें चेंज कर सकते हो, या अगर सिंपल आपको रिपोर्ट डिज़ाइन करना हो तो आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मल्टी टेबल रिपोर्ट डिज़ाइन करना हो तो आप रिपोर्ट विजार्ड से भी आसानी से रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो पहला ऑप्शन है रिपोर्ट, ये ऑप्शन अगर मैं क्लिक करता हूँ तो जो भी मेरा टेबल सिलेक्टेड रहता है उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिक डिज़ाइन हो जाती है। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर रिपोर्ट ऑप्शन को क्लिक किया तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रिपोर्ट डिज़ाइन हो जाएगी। देखिए, पूरी रिपोर्ट यहाँ पर डिज़ाइन हो गई ऑटोमेटिक। अब मैं इसको व्यू करूँगा तो ये वहाँ पर मेरे को व्यू भी हो जाएगी, ये देखिए यहाँ पर व्यू हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी एक टेबल से, सिंगल टेबल से अगर सिंपल रिपोर्ट डिज़ाइन करनी हो तो आप इस ऑप्शन से बेसिक रिपोर्ट से अपनी रिपोर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ रिपोर्ट विजार्ड के ऊपर। अब रिपोर्ट विजार्ड क्या है, जैसे अपन ने फॉर्म विजार्ड पढ़ा वैसे ही अपना रिपोर्ट विजार्ड भी है। रिपोर्ट विजार्ड आपको एक विजार्ड देता है जिससे आप रिपोर्ट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने रिपोर्ट विजार्ड को डबल क्लिक किया, दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक विजार्ड आ जाएगा। अब आप में इस विजार्ड के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रिपोर्ट्स के अंदर, मान लीजिए आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर ली सारी इन्फॉर्मेशन पर आपको रिज्यूम नहीं चाहिए तो आपने इसको हटा दिया। अब यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया, एज आ गया, एड्रेस आ गया, मैरिड आ गया। मैरिड भी आपको नहीं चाहिए, ये भी आपने हटा दिया। सिर्फ चार फील्ड्स की आप रिपोर्ट डिज़ाइन करना चाहते हो। फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक किया, फिर यहाँ पर आपने नेक्स्ट क्लिक किया, फिर आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपने एनरोलमेंट के हिसाब से चूज़ किए, नेक्स्ट क्लिक किया। फिर आपने बोला कि हमें किस टाइप की टेबल चाहिए, किस टाइप की रिपोर्ट चाहिए सॉरी, तो आपने बोला कॉलम वाइज चाहिए, टेबुलर चाहिए, तो कॉलम में तो कॉलम वाइज आ जाएगी इस टाइप से नीचे, और टेबुलर में टेबल टाइप में, हमें टेबुलर रिपोर्ट्स जो है टेबुलर फॉर्म में ही रहती हैं दोस्तों, इसलिए आप टेबुलर फॉर्म को चूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लिक किया और यहाँ पर फिनिश कर दिया। तो इस टाइप से आपकी यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से आप रिपोर्ट विजार्ड से सिंगल टेबल से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आता हूँ कि हमें दो टेबल से रिपोर्ट डिज़ाइन करना हो तो फिर मैं रिपोर्ट विजार्ड पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे दो टेबल से मुझे रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है तो मैंने यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर ले लिया, स्टूडेंट का नाम ले लिया, ये मेरे स्टूडेंट इन्फॉर्म टेबल से लिया हुआ है मैंने। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म की इन्फॉर्मेशन निकाली और यहाँ से मैंने हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, सोशल साइंस के मार्क्स और साइंस के मार्क्स ले लिए और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया। अब दोस्तों, यहाँ पे सारी चीज़ें, इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस, ये चारों सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया, मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इनरोलमेंट नंबर को चूज़ किया, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक किया,
टेबलो चूज किया, नेक्स्ट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फिनिश क्लिक कर दिया। तो देखिए ये दो टेबल से रिपोर्ट में डिज़ाइन हो गई है। इनरोलमेंट नंबर वन का नाम अजय है, उसके हिंदी में 45 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 32 मार्क्स हैं, मैथ्स में 40, एसएस में 35 एंड साइंस में 32। तो इस तरीके से दोस्तों मैं यहाँ से रिपोर्ट विजार्ड से अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकता हूँ। अब दोस्तों इस रिपोर्ट को मुझे अगर पीडीएफ में सेंड करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो इस ऑप्शन से, पीडीएफ ऑप्शन से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मुझे अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मुझे एक्सेल में लेके जाना हो तो मैं एक्सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो तो मैं यहाँ पर पेज सेटअप पे क्लिक करके और यहाँ पे मैं यहाँ पे इन ऑप्शंस को टिक करके, इन ऑप्शंस को जैसे यहाँ पे अपने टॉप में मार्जिन छोड़ा हुआ है, बॉटम में मार्जिन छोड़ा हुआ है, ये बॉटम मार्जिन लेकर आपको कैसे पोर्ट्रेट में प्रिंट करना है, लैंडस्केप में प्रिंट करना है, आपका डिफ़ॉल्ट प्रिंटर जो भी लगा हुआ है, कॉलम्स आपको कितने लेने हैं, तो ये सारे ऑप्शंस को मैं सेट करके जब मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो ये आपका पूरा पेज सेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप आके इस प्रिंट ऑप्शन से आप रिपोर्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, हम रिपोर्ट्स बना भी रहे हैं, उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सेल में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। इस तरीके से आप अपने रिपोर्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। पीडीएफ का ऑप्शन और बता देता हूँ दोस्तों, अगर पीडीएफ में आपको कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए पीडीएफ पे और यहाँ पे आपका फॉर्मेट आ जाएगा student.pdf, यहाँ पे आप पब्लिश कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपकी रिपोर्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से आपकी रिपोर्ट वहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट हो गई। इसको अगर एक्सेल में लेके जाना है या टेक्स्ट में लेके जाना है, सेम यही प्रोसेस है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आता हूँ यहाँ पर, ये तो रिपोर्ट्स हो गया मैंने मेरा कि मैंने किस तरह से रिपोर्ट्स को जनरेट किया। अब मैं सिंपल आता हूँ कि हमें अगर मान लीजिए ब्लैंक रिपोर्ट से रिपोर्ट को डिज़ाइन करना हो तो ब्लैंक रिपोर्ट से रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पर क्लिक किया, ये मेरे यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट खुल गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मुझे इन्फॉर्मेशन रखना है तो मैं यहाँ पे शो ऑल टेबल्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो जो फील्ड्स मुझे चाहिए मैं ये सब यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। जैसे मुझे एनरोलमेंट नंबर चाहिए वो यहाँ पे आ गया, फिर मुझे यहाँ पे हिंदी के मार्क्स चाहिए वो यहाँ पे आ गए, इंग्लिश के मार्क्स चाहिए वो यहाँ पे आ गए, मैथ्स के मार्क्स चाहिए वो यहाँ पे आ गए, फिर मुझे दूसरी वाले टेबल में से मान लीजिए स्टूडेंट का नाम चाहिए वो यहाँ पे आ गया। ये रिपोर्ट मेरी बन गई है, अब मैं इसको व्यू करूँगा तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट से व्यू कर पाऊँगा। दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पर रिपोर्ट को डिज़ाइन कर सकता हूँ, कैसे, रिपोर्ट डिज़ाइन पर जाकर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा रिपोर्ट्स किस तरह से बनाते हैं। अब इसमें एक फंक्शन बचा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट टोटल, कितने स्टूडेंट हैं जिनने एग्ज़ाम दिया है, तो यहाँ पर मुझे काउंट चाहिए और यहाँ पर मुझे हिंदी का एवरेज चाहिए कि हिंदी में एवरेज कितने मार्क्स आए हैं, इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स आए, एवरेज है, मैथ्स में कितने एवरेज हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आपका टोटल भी चाहिए, मुझे अजय का टोटल भी चाहिए यहाँ पर, अभय का टोटल भी चाहिए, जतिन का भी चाहिए, या एनरोलमेंट नंबर 4 में राज का टोटल भी मुझे यहाँ पर चाहिए। टोटल्स मुझे यहाँ चाहिए, एवरेज यहाँ चाहिए, काउंट यहाँ चाहिए। अभी तीन फंक्शंस हो गए दोस्तों मेरे, एवरेज भी हो गया, काउंट भी हो गया और यहाँ पर अपना सम भी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे व्यू पे आकर रिपोर्ट डिज़ाइन पे आ जाऊँगा। अब रिपोर्ट डिज़ाइन पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेस्ट बॉक्सेस लेने पड़ेंगे। टेस्ट बॉक्सेस कहाँ पे अवेलेबल है मेरे, यहाँ पे टेस्ट बॉक्सेस अवेलेबल है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया, ठीक है दोस्तों, और ड्रॉ करने के बाद मैंने यहाँ पर, अब दोस्तों मैंने यहाँ पर टेस्ट बॉक्स ले लिया है। अब देखिए मैंने यहाँ पर टेस्ट बॉक्स लिया हुआ है तो यहाँ पर साथ में उसके यहाँ पर उसका लेबल भी आया हुआ है, तो उस लेबल को चाहे तो रख लें, चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर दें तो वो लेबल आपका डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे आप टेस्ट बॉक्स को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे देखिए टोटल्स में यहाँ पे रिकॉर्ड काउंट आया है, तो उस रिकॉर्ड काउंट को आप ऑन कर दीजिए। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये इससे लिंक हो जाएगा। अब आप जब इसका व्यू करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स जो हैं वो काउंट हो जाएंगे आपके। ये देखिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स काउंट हो गए आपके, यहाँ 4 रिकॉर्ड्स आपके आ गए, ये आपका रिकॉर्ड काउंट आ गया। अब दोस्तों मुझे यहाँ पे हिंदी का टोटल चाहिए, ठीक है, एंड देन यहाँ पे हिंदी का टोटल चाहिए या फिर यहाँ पे एवरेज चाहिए या फिर यहाँ पे मेरे को पूरा टोटल चाहिए। तो सबसे पहले इस टोटल को कैलकुलेट कर लेते हैं कि अजय के टोटल मार्क्स कितने आए। तो अजय के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे वापस डिज़ाइन व्यू पर जाना पड़ेगा, अगेन सेम वही प्रोसीजर है, मुझे यहाँ पर टेस्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसे अनबाउंड दिया हुआ है
तो आपको करना क्या है, आपको ये हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के और सोशल साइंस के मार्क्स को ऐड करना है। तो दोस्तों ये पांचों फील्ड्स अलग अलग है, इसलिए आप कंट्रोल सोर्स प्रॉपर्टी पे आएंगे, इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ आप ओपन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे आके यहाँ पर आप जो है इसको कंट्रोल सोर्स प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे। जब आप कंट्रोल सोर्स प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे आपके सामने बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है इंग्लिश के, हिंदी के, इंग्लिश के सभी के मार्क्स। तो आप यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे HINDI हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस SS प्लस साइंस। दोस्तों आपको पांचों सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिए हैं आपने, अब इसको यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। अब आप जब यहाँ पे इसको व्यू करेंगे तो आपके पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल हो जाएंगे। देखिए आपके सामने रिपोर्ट है, इसमें अजय के ये 45, 32, ये पूरा 184 आ रहा है अजय का टोटल, अभय का टोटल 158 आ रहा है, जतिन का टोटल 188 आ रहा है और राज का टोटल 182 आ रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमारा टोटल कैलकुलेट हो गया है, हर स्टूडेंट का टोटल यहाँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के सम को कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एवरेज भी नीचे आप ले सकते हैं और दूसरे फंक्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिपोर्ट समझ में आई होंगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट, रिपोर्ट विजार्ड, ये चारों ऑप्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत इजी टॉपिक था दोस्तों, बहुत छोटा टॉपिक था। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको रिपोर्ट, रिपोर्ट डिज़ाइन, ब्लैंक रिपोर्ट और रिपोर्ट विजार्ड, ये सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली करके बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।